कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई जो मैं अक्सर ये हदीस नकल करता हूँ और कोशिश करता हूँ लोगों तक तन्वे हो जाए और शायद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात ही हमारे दिलों पर असर कर जाए कि आपने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के उन लोगों को जानता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं उन लोगों को जानता हूँ कि जो आमाल इतने अच्छे लेके आएंगे क़यामत वाले दिन कि वो पहाड़ों की तरह यानी बहुत ज़्यादा यानी पहाड़ों की चोटियों की तरह इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह। अच्छा ये कह के कि पहाड़ों जिसने जैसे आमाल लेके आएंगे, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़यजअलुहुल्लाहु हबा मंथूरा, अल्लाह ताला उन सारे आमाल को गर्दोगुबार बना के उड़ा देगा। अब ये गर्दोगुबार बन के उड़ गए, सहाबा तो डर गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी निशानी बताएं ताकि हम उनमें से ना हो। आपने फरमाया तुम्हारे जैसे होंगे, तुम्हारे जैसे आमाल करेंगे, तुम्हारे जैसे मामूलात उनके होंगे। फर्क सिर्फ यह है कि इदा खलौ बिमहारिमिल्लाह, जब वो तन्हाइयों में होंगे तो इंतहाकुहा, जब वो तन्हाइयों में अल्लाह की हुरमतों को पामाल करेंगे, जब भी कभी उनका तन्हाइयों में मौका मिलेगा तो अल्लाह की हुरमतों को पामाल करेंगे। तो असल बेहयाई जो है उससे बचना है तो खलवतें पाकीज़ा करनी पड़ेंगी, तन्हाइयाँ पाकीज़ा करनी पड़ेंगी। तन्हाई पाकीज़ा होती है तो मुआशरा पाकीज़ा होता है, जब तन्हाई पाकीज़ा नहीं होती। तो मैं तो इस हदीस के बारे में अक्सर सोचता हूँ कि ये हदीस जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपने जब सहाबा को सुनाई होगी, एक आदमी तन्हा अल्लाह की हुरमतों को पामाल करेगा, तो तन्हाई में एक आदमी अंदर कुंडी लगा के बैठा हुआ हो तो वो उस दौर में हुरमतें पामाल ही क्या कर सकता है, अकेला हो एक आदमी और वो अपने कमरे में बंद हो तो वो कैसे हुरमतें पामाल कर सकता कयामत है। तो ये हदीस है ही आज के दौर के बारे में, आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया है और आज जो हुरमतें पामाल करना चाहे वो बैठा हुरमतें पामाल कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें हर तरह की बेहयाई से बचाए। तो बात मुआशरे की बेहयाई को अगर आपने ठीक करना है और उसको हया की तरफ लेके जाना है तो तन्हाइयां भी पाक होंगी तो तब जाके महफिल पाक होगी।